नमस्कार मित्रों, कैसे हो? मैर्सी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा चैप्टर है जो कि पूर्व में चल रहा था और उसका अंतिम वीडियो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो चल रहा था वो है हमारा अदर रिंग्स। यानी अन्य नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मैंने आपको वीडियोज फर्स्ट सेकंड और थर्ड में बताया है कि किस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदला जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। लेकिन अब जो फोर्थ नियम है अदर रूल, उसको शुरू करने से पहले हम एक बार उन्हें उनका रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कोमा में रखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता द्वारा कही बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कोमा में ना रखकर उसके शब्दों में तो परिवर्तन कर दिया जाए लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं हो, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम चार प्रकार के नियमों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला रूल ऑफ कनेक्ट, दूसरा रूल ऑफ पर्सन, तीसरा रूल ऑफ टेंस और चौथा अदर रूल्स। तो देखिए, सबसे पहले रूल ऑफ कनेक्ट। कनेक्ट माने होता है जोड़ना। यानी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें दो प्रकार के वाक्य मिलते हैं, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। दोनों के अलग अलग कर्ता क्रियाकर्म होते हैं। बाहर वाले वाक्य में अलग कर्ता क्रियाकर्म होता है और अंदर वाले वाक्य में अलग कर्ता क्रियाकर्म होता है। इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम रूल ऑफ कनेक्टिव कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य को देखना होता है। यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में असर्टिव सेंटेंस है तो दैट से जोड़ देते हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसे इफ या वेदर से जोड़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाला है तो इफ या वेदर से जोड़ते हैं और डब्ल्यूएच वाला है तो वह स्वतः जुड़ जाता है क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड ही जोड़ा का काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसे साधारण वाक्य में बदल देते हैं, असर्टिव बना देते हैं उसका। तीसरा, यदि वो इनवाइटेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में आज्ञार्थक इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसे टू से जोड़ते हैं, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसे दैट से जोड़ते हैं और यदि लेट वाला सेंटेंस है तो उसे भी दैट से ही जोड़ते हैं। तो ये हमारा जोड़ने का काम हो गया। और सेड टू को भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, एक्सक्लेमेटरी, ऑफ सोरो, जॉय, प्रपोज्ड आदि में बदल देते हैं और नहीं भी बदले तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है रूल ऑफ पर्सन। रूल ऑफ पर्सन, पर्सन क्या है, मैंने आपको बताया था इनवाइटेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में आया हुआ कर्ता और उसमें आए हुए समस्त प्रोनाउन पर्सन कहलाते हैं। पर्सन को बदलने के लिए हम 123 वटे सन का सूत्र लगाते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और थर्ड पर्सन इज नो चेंज। इसके बाद आता है रूल ऑफ टेंस। रूल ऑफ टेंस में हम क्या करते हैं कि टेंस रूपी परिवर्तन हमेशा इनवर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में किया जाता है, बाहर वाले वाक्य में सिर्फ सेड टू को भाव के अनुसार बदल देते हैं। टेंस रूपी परिवर्तन कब करते हैं, जब इनवर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो कोई टेंस रूपी परिवर्तन नहीं किया जाता, केवल रूल ऑफ कनेक्टिव और रूल ऑफ पर्सन और अदर रूल लगा करके ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया जाता है। यदि इनवर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य में पास्ट टेंस हो और इनवर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब, हैबिट या रेडियो कमेंट्री आ रही हो तो भी टेंस रूपी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ रूल ऑफ कनेक्टिव, रूल ऑफ पर्सन और अदर रूल लगा करके ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते हैं। और यदि इनवर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य में पास्ट टेंस हो और इनवर्टेड कोमा के अंदर वाले वाक्य में ये चार चीजें नहीं हो, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो,
प्रोवर्ब नहीं हो, हैबिट नहीं हो, रेडियो कमेंट्री नहीं हो तो टेंस रूपी परिवर्तन किया जाता है। टेंस रूपी परिवर्तन करने के लिए मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि टेंस रूपी परिवर्तन कैसे किया जाता है। हमेशा इसकी छत को दा देते हैं इस तरीके से और इसमें टी छोड़ के एक और सेल का सुड बिल का गुड, सेल बी का सुड भी बिल बी का गुड भी, सेल है का सुड है बिल है का गुड है कर देते, सेल है बिन का सुड है बिन और बिल है बिन का गुड है बिन कर देते। और इसी प्रकार मॉडल वर्ब में कैन का गुड, मे का माइट, सुड का गुड, सेल का वो सेल का सुड, बिल का गुड और मस्ट इज नो चेंज, मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये आपका हो गया टेंस रूपी परिवर्तन। और उसके बाद हम बात करते हैं अदर यानी अन्य नियम क्या है। अब अन्य नियम क्या है, यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस आ जाए तो दिस का दैट कर देते, दीज आ जाए तो दीज का दोज कर देते हैं, नाव आ जाए नाव का देन कर देते हैं, यस्टरडे आ जाए तो प्रीवियस डे कर देते हैं, और यस्टर नाइट आ जाए तो प्रीवियस नाइट कर देते हैं, टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे कर देते हैं, और नाउ का देन कर देते हैं, दिस का दोज दिस का दैट कर देते हैं, यस्टरडे का प्रीवियस डे, यस्टरडे नाइट का प्रीवियस नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और टुमारो का नेक्स्ट डे कर देते हैं। ये आपके अदर रूल्स हैं, यानी इस तरीके से हम इनको और बदल देते हैं। इसी तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर यही समाप्त होता है। लेकिन अब हम इसके अलग अलग उदाहरण देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको बदलते हैं और किस तरीके से ये चेंज किए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। ज्यादा उदाहरण आप अपनी बुक्स से लें या आपके पास प्रैक्टिस नोटबुक होगी, प्रैक्टिस नोटबुक से आप बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं असर्टिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं ये अपन देखते हैं। एक एक करके हम वाक्यों को लेते हैं कि किस तरीके से बनाने। देखिए मैंने लिखा राम सेड I am making a home। ये वाक्य है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इधर पास्ट टेंस आ रहा है और इधर यूनिवर्सल प्रोवर्ब हैबिट रेडियो कमेंट्री आदि नहीं आ रही है, तो इसमें चेंज होगा, टेंस रूपी परिवर्तन जरूर होगा। तो सबसे पहले देखो कि इसको जोड़ें। पहला काम जोड़ने का करेंगे, नंबर एक जोड़क के नियम लगाएंगे। तो जोड़क के नियम क्या है कि इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को देखो, यदि साधारण वाक्य है तो दैट से जुड़ जाएगा, तो राम सेड का सेड ही रहेगा, यदि सेड टू होता ना तो टोल्ड कर देते। अब जोड़ेंगे किससे, दैट से जोड़ देंगे दैट। अब प्लूरल पर्सन लगाओ, दूसरा पर्सन का नियम लगाओ। पर्सन का नियम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसमें पर्सन छांट लो, सिर्फ आई पर्सन है यहां पर, आई एम मेकिंग, इसको यूं कर देता हूं मैं माई, तो यह माई भी पर्सन आ गया। तो आई फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के साथ जोड़ लेगा, राम आदमी है तो ही आ जाएगा ही। अब टेंस रूप की परिवर्तन करेंगे, टेंस ने किए कैसे लगाएंगे, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस को कौन मिलेगा, यहाँ इज एम आर है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, तो ही के साथ कौन आएगा, ही वाज मेकिंग
माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा? फर्स्ट पर्सन कर्ता के हिसाब से बदलता है, तो राम, राम का मतलब यहां ही है। तो देखो आई माई दूसरे नंबर पर है, तो ही का दूसरा नंबर देख लेंगे, ही हिज, मेकिंग हिज होम। इस तरीके से ये आपका बन गया। जैसे दूसरा मैंने लिखा राम सेड टू मी आई आई यूज योर बुकेट व्हेन आई बात। तो देखिए सबसे पहले ये साधारण वाक्य है इसके अंदर, और जब साधारण वाक्य होता है तो दैट से जुड़ता है। तो देखिए राम सेड टू मी की जगह सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी जोड़ देंगे दैट से, आई फर्स्ट पर्सन है, ये पर्सन आ गया, पर्सन छांट लिया हमने। तो देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो राम के हिसाब से बदलेगा, क्या आएगा? ही यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म में से प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है। किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट में कौन मिलेगा? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आएगा। यदि ये नकारात्मक होता या प्रश्नवाचक होता तो डिड लगा देते, अब ये क्या है? साधारण वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही यूज्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगा, यूज योर, सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा? कर्म के हिसाब से। तो देखो यू योर, तो मी है, मी का कर्ता क्या हो जाना है? आई, आई का सेकंड पर्सन लगा लो आई माई, यूज्ड माई बुकेट वैन, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा? राम के हिसाब से, तो वैन आई फर्स्ट पर्सन है तो ही। इस तरीके से हम डायरेक्ट से नरेट बनाते हैं। जैसे दूसरा लिखो, दूसरा मैंने लिखा आई सेड टू हिम माई मदर हैज टॉट मी इंग्लिश। तो आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम, साधारण वाक्य तो दैट से जोड़ेंगे और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। आई टोल्ड हिम किससे जोड़ दिया? दैट से। माई मदर, माई मदर सब्जेक्ट है तो माई कौन सा पर्सन है? सेकंड पर फर्स्ट पर्सन है, तो किसके हिसाब से बदलेगा? आई के हिसाब से। तो देखिए माई आई के हिसाब से बदलेगा, तो आई माई, यहां पे भी आई आ रहा है तो फिर माई आ जाएगा यहां पर, माई मदर। अब यदि यहां होता ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी, फिर माई का क्या हो जाता? ये आई माई दूसरे नंबर पर है तो ही का, ही हिज, तो यहां हिज मदर हो जाता है, हिज मदर। हैज़ कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में कौन मिलेगा? हेड टॉट मी, अब मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा? ही के हिसाब से, तो आई माई मी, तो ही का तीसरा नंबर देख लो, ही हिज हिम, तो हिम इंग्लिश। इस तरीके से ये साधारण वाक्यों में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे और अपन उदाहरण ले सकते हैं,
जैसे देखिए यू डिड नॉट लाइक माय नेम, ये मैंने लिखा। तो हम देखेंगे इसमें नकारात्मक वाक्य है यानी असर्टिव है, असर्टिव है तो दैट से जोड़ देंगे। ही टोल्ड मी दैट, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से कर लेगा, कर्म के हिसाब से कर लेगा। अब कर्म यहां पर मी आ गया, तो मी आ गया तो मी का कर्ता क्या हो जाएगा, आई आई। अब डिड नॉट, डिड नॉट कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किसमें जाएगा, ये छोड़ के कंटिन्यूअस को छोड़ के परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, वहां कौन मिलेगा, हेड मिलेगा, तो वहां क्या आ जाएगा, आई हैड नॉट, हैड नॉट लाइक्ड। फिर माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ही के हिसाब से बदलेगा, आई माई तो ही हिज, हिज। इसी तरीके से जैसे देखिए ही सेड यू वर नॉट मेकिंग मी फूल। तो देखिए सबसे पहले ही सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि सेड तो नहीं है, इसमें साधारण वाक्य है तो दैट से जुड़ जाएगा। अब पर्सन कौन सा है इसमें, सेकंड, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, कर्म के हिसाब से, लेकिन कर्म यहां है ही नहीं, कर्म नहीं है ना, तो मान लो, मान लो, अब मान लिया आपने मी मान लिया, तो मी का क्या हो जाएगा, या करता आई हो जाएगा। अब आई तो यू है, तो यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है यू, वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो यहाँ आई हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई। अब वाज वर्ब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, वो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, परफेक्ट को छोड़ के परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो वहां कौन मिलेगा, हैड बीन मिलेगा, तो आई हैड बीन नॉट मेकिंग मी, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ही के हिसाब से बदलेगा, आई माई मी ही हिज हिम। ये इस तरीके से हम साधारण वाक्य में या असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है, एक एक तरीके के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था, मैंने लिखा ही सेड टू मी डू यू नो मिस्टर कुमार। अब देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य है, इसके अंदर प्रश्नवाचक वाक्य तो किससे जुड़ेगा, यदि हेल्पर वाला है तो इफ या वेदर से जुड़ेगा, और डब्ल्यू एच वाला है तो स्वतः ही जुड़ जाएगा। तो इसमें कौन सा है, ये हेल्पर वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला है तो कैसे बनाएंगे, ही सेड टू को किसमें बदल देंगे, आश्रम में बदल देंगे, ही आश्रमी, किससे जुड़ेगा, इफ से, इफ। अब पहले इसको साधारण वाक्य में बदल दो, यूं कर दो, शायद ये डू यहां आ जाएगी और वो सर करता यू यहां आ जाएगा और डू यहां चला जाएगा, यानी साधारण वाक्य को बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, शायद क्रिया को कर्ता के स्थान पर, वो कर्ता को सह क्रिया के स्थान पर, और सह क्रिया को कर्ता के स्थान पर रख देते हैं। तो अब सबसे पहले यू आ गया, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो मी के हिसाब से बदलेगा, मी क्या आया, मी का कर्ता था आई, तो यहां क्या आ जाएगा, इफ आई। अब डूडज कौन सा टेंस है, डूडज है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाएगा,
प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर पास्ट इंडेफिनिट में कौन मिलेगा वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या डिड मिलेगी। तो साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो जो ये डू है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में कौन मिलेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, क्योंकि वहां डिड या डिड मिलेगी। तो साधारण वाक्यों में डिड नहीं आता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो नो है ना, ये वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे न्यू, आई न्यू मिस्टर। प्रश्नवाचक वाक्य को हटा देंगे। इस तरीके से हम प्रश्नवाचक वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे दूसरा वाक्य मैं आपको लिखता हूं, ही सेड टू मी डू यू गिव मी सम मिल्क एवरी डे। तो देखिए ही सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड मी किससे जोड़ेंगे, इफ से जुड़ेगा इफ। अब इसको साधारण बदल लेंगे तो यू यहां आ जाएगा और डू यहां चला जाएगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो मी के हिसाब से क्या आ जाएगा आई। अब डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, वहां डेड या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेंगे। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय साधारण वाक्यों में बदल देते हैं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। अब सेकंड फॉर्म ये गिव है ना, ये क्रिया है, क्रिया की सेकंड फॉर्म कर देंगे गिव। इफ आई गिव मी, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के हिसाब से बोल लेगा आई माई मी, तो ही हिज हिम him some milk every। इस तरीके से हम प्रश्नवाचक वाक्यों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। दूसरा देखिए अब WH वर्ड वाले वाक्यों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। जैसे he said to me why why did you give me a pen, ये आ गया। तो देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच वाला वाक्य है, तो ही सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, आस्क्ड मी, अब किससे जुड़ेगा ये वाई से जुड़ जाएगा, वाई डब्ल्यू एच वर्ड से ही, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है ना वही कनेक्टेड का काम करता है, यहाँ पर जोड़ा का काम करता है। अब इसको साधारण में बदल लेंगे, या यू आ जाएगा या डेड चला जाएगा। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो कर्म के हिसाब से बदलेगा मी है, तो मी का कर्ता क्या हो जाएगा यहाँ पे आई हो जाएगा आई। डेड कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा ये छोड़ के ये, यानी पास्ट परफेक्ट में जाएगा, वहां कौन मिलेगा हेड मिलेगा। तो यहां आई, अब डेड की जगह क्या आ जाएगा हेड, समझ रहे, अब डेड की जगह हेड आ जाएगा। अब गिव, गिव कौन हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यहाँ डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, तो हेड हेड के साथ थर्ड आता है पास्ट परफेक्ट में, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गिवन। अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो ही के हिसाब से बदलेगा आई माई मी ही हिज हिम, तो हिम आ जाएगा हिम ए, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा देखिए ही He said, "Why do you not read daily?" तो देखिए he सेड का सेड ही रहने दो, वाले चाहे आंसर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई वाई से जुड़ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, अब इसको साधारण बदल दो, यू यहां आ जाएगा और डिड यहां, डू यहां आ जाएगा।
तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, या कर्म के हिसाब से बदलेगा, कर्म इसमें दे नहीं रखा तो मान लेंगे, मान लिया मी, मान लिया तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ आई हो जाएगा आई। और डूडज कौन सा टेंस है, डूडज है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, वहां कौन मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड मिलेगा, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां डिड आएगा, तो आई डिड नॉट रीड डेली। और यदि यहां नॉट नहीं होता तो फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती, तो फिर आई रीड डेली आ जाता। यह आपको अच्छी तरीके से मैं समझता हूं बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये बात। अगला देखिए, अगला है इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, आज्ञा वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, ऑर्डर या कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो देखिए, ही सेड टू मी, वो दिया, तो हमें देखना है इसमें ऑर्डर वाला वाक्य, तो ऑर्डर वाले वाक्य क्या होता है, हमेशा टू से जो होते हैं, तो सेड टू को क्या कर देंगे, ही ऑर्डर्ड मी, टू से जोड़ देंगे, टू गो देयर। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी रीड एवरी डे, तो देखिए ये एडवाइज वाला वाक्य प्रतिदिन पढ़िए, तो सेड टू को किसमें बदल देंगे, एडवाइज में, ही एडवाइज मी टू रीड एवरी डे। यदि इसमें कोई प्रोनाउन आ जाए तो उसको पर्सन को पर्सन के हिसाब से बदल देते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये होता ही, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी प्लीज गो देयर। हमेशा ध्यान रखिए कि जो ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, कर्ता नहीं होता, ये सीधे क्रिया से, देखो गो माने जाना, नाम ही आ रहा है ना, तो क्रिया से शुरू हो रहा है। ऐसे ही देखिए, इसमें रीड माने पढ़ना, नाम ही आ रहा है, ये सीधा क्रिया से है, इसमें कर्ता नहीं है, इसमें भी कर्ता नहीं है, और इसमें भी देखो प्लीज गो देयर, गो माने जाना, ये भी सीधा क्रिया से शुरू हो रहा है। तो जो ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें कर्ता नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं पाया जाता, ये सीधे वर्ब से शुरू होते हैं, तो प्लीज को हटा देंगे और यहां सेड टू को क्या कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर। इस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब हम बात करते हैं आश्चर्यवाची वाक्यों की, वो एक्टिव से पैसिव नहीं, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब हम बात करते हैं आश्चर्यवाची वाक्यों में किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, यानी एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। अब आश्चर्यवाची तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था, केवल आश्चर्य, खुशी का आश्चर्य और दुख का आश्चर्य। तो सबसे पहले देखिए, ही सेड टू मी व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर वाज, या तो सबसे पहले यह आश्चर्य है केवल, तो हम सेड टू को हटा देंगे, ही एक्सक्लाइम्ड एक्सक्लाइम्ड मी। आशीर्वाची वाक्य हमेशा दैट से जोड़ते हैं, दैट आशीर्वाची शब्द को हटा देंगे, दैट अब ये वाज है ना, तो दैट अब वाज वर्ब कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, परफेक्ट को छोड़ के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो वहां कौन मिलेगा, हेड हेड बीन, दैट हेड बीन ए ब्यूटीफुल फ्लावर।
इस तरीके से हम आशयवाची वाक्य को, जैसे ये होता व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल इज, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ही सेड टू मी व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल इज। तो देखिए ही एक्सक्लाइम्ड मी दैट, व्हाट को हटा देंगे आशयवाची शब्द को, दैट इसका क्या हो जाएगा, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, दैट वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। आगे देखिए आश्चर्य के बाद दुख का आश्चर्य, दुख के आश्चर्य में कैसे आता है, जैसे ही सेड टू मी आई एम ह्यूम एज आई एम ह्यूम, तो देखिए आशीर्वादी शब्द को हटाएंगे, अरे मैं बर्बाद हो गया, तो ये आशीर्वादी शब्द को हटा देते हैं ही, अब दुख का आचरण ये तो एक्सक्लाइम्ड, एक्सक्लाइम्ड विद सॉरो, फिर दैट से जोड़ देंगे, दैट आई एम कौन सा पर्सन है, फर्स्ट कर्ता के साथ से बोलेगा, तो ही इज ए वार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, कौन मिलेगा, वार ही वाज ह्यूम। अब इसी प्रकार से खुशी के आश्चर्य में, जैसे देखो ही सेड टू मी हुर्रा माय लॉस्ट फादर हैड कम, तो देखिए सबसे पहले इसको हटा देंगे, अरे मेरे खोए हुए पिताजी वापस आ चुके थे, तो सेड टू को किसमें कर देंगे, ही एक्सक्लाइम्ड विद जॉय, फिर दैट से जोड़ देंगे, दैट माई, माई फर्स्ट पर्सन है तो कर्ता के हिसाब से बदलेगा, आई माई तो ही का, ही हिज हिज लॉस्ट फादर हेड कौन सा टेंस है, हेड है आपका पास्ट परफेक्ट, एक छोड़ के किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो हेड का हेड ही रहेगा क्योंकि हेड का हेड ही रहता है, ये आ जाएगा हेड का। इस तरीके से हम आशयवाची वाक्यों की डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं। अब देखिए लेट वाले वाक्यों की डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, लेट वाले वैक्यूम डायरेक्ट से डायरेक्ट बना, लेट वाले वैक्यूम को भी दैट से जोड़ा जाता है, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी लेट अस प्ले ये मैच। तो देखिए सबसे पहले लेट अस प्ले ए मैच, हम एक मैच खेलते हैं तो हम ये देखेंगे कि लेट में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रस्ताव रख रहा है हमारे सामने, लेट अस प्ले ए मैच, एक मैच खेलने का प्रस्ताव है, तो सेड टू को किसमें बदल देंगे, भाव के अनुसार प्रपोज में बदल देंगे, ही प्रपोज मी, अब किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे, लेट को हटा देंगे, ऐसा है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसे नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे, यानी कर्ता बना देंगे, ऐसा यहाँ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, अब वी किसके हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो कर्ता के हिसाब से बदलेगा ही, अब ये तो बहुवचन है कर्ता और ये ही एक वचन है, तो इस एक वचन को बहुवचन में बना देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो बहुवचन ही का दे हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर देंगे, दे कर देंगे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुड लगाते हैं, तो यहाँ शुड आ जाएगा मॉडल वर्ब, दैट दे शुड प्ले मैच, जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी
लेट मी गो। अब देखिए यहां अब मुझे जाने दो तो परमिशन ले रहा है वो, तो सेट टू को क्या कर लेंगे, ही परमिशन मी देट से लेट को हटा देंगे। अब मी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे। आई आई किसके हिसाब से बदलेगा, कर्ता के हिसाब से, ही तो यहां पर आ जाएगा ही, फिर सुड अपनी जेब से लगाएंगे, ही सुड वो। इस तरीके से हम लेट वाले वाक्यों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दें। तो मित्रों आज की क्लास में हमने सीखा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के उदाहरण और उनको अच्छी तरीके से रिवर्स किया, और मैं आशा करता हूं आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो चैप्टर है आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर हो गया होगा। यदि आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप इन वीडियोस को, चारों वीडियोस को दोबारा से देखिएगा, और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स लिखिएगा ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। मित्रों हमारे साथ बने रहिएगा इस लॉकडाउन की अवधि में और पढ़ाई का आनंद लेते रहिएगा। मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है मुझे कि आप छात्र हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए अपना, अपने घर वालों का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। विद्यार्थियों यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। आप हमारे हर वीडियोस को देखिए ताकि आप अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सके। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।